सो हेलो वेमन वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लुकेसर अनलिमिटेड स्टडीज ओन एंड वी आर सॉल्विंग हेयर द पी जी पी टी मैथेमेटिक्स सॉल्व पेपर्स टू थाउजेंड सेवेंटीन यहाँ पर हम पेपर कर रहे हैं जिसमें हमें सौ क्वेश्चन दिए गए हैं एंड एवरी क्वेश्चन में वन वार्ड एवर्ड किए जाएंगे और ये एम सी क्यू की फॉर्म में टोटल पेपर है ये तो थी आउटलाइंस तो आइए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तक कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे आज हमारे कस करना है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू से सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा एंड कॉस् थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस दें ए बी सी सैटिसफाई अब आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी थीटा इन्वॉल्व नहीं है तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो सबसे पहले हम रूट्स में कोफिशियंट की रिलेशनशिप बनाएंगे साइन थीटा प्लस कॉस् थीटा इक्वल टू माइनस बी अपौने एंड साइन थीटा इंटू कॉस् थिएटा इक्वल टू सी अपौने एंड इस रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थर्ट इक्ल टू वन दैट वी कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन सो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड माइनस टू टाइम्स सी अपॉन इक्वस टू वन और जिसमें की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आ जा रही रिलेशन ए स्क्वायर और माइनस का बी प्लस टू ए सी इक्वल्स टू जीरो तो ये है हमारी रिलेशनशिप ओके सो दिस वाज डन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या कह रहा है इफ एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट दिए विद पी ए इक्वल टू फोर अपॉन फाइव एंड पी बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन नाइन देन पी इंटरसेक्शन ए ए इंटरसेक्शन ए डैस बी डैस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ना ए का होना ना बी का होना सो वी नो दैट द फॉर्मूला पी ए डैस इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज इक्वल टू पी ए डैश मल्टीप्लाई बाई पी बी डैश तो हमारे पास दिया है ए और बी दिया है तो डायरेक्टली हम क्या पी ए डैश और पी बी डैश वन माइनस पी ए वन माइनस पी बी फाइंड करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो दिस इज डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ लेट पी एन इज द स्टेटमेंट सच देर लेस टू दावर एन पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसके लिए एन ट्रू है. So, है तो भाई तो रेस के बाहर हो गया अब आपके पास इंटीजर है दो पांच और तीन तो so, वैल्यू रख करके आपको है। सबसे पहले दो का स्क्वायर लेस देन टू टू दावर टू तो देखिए दो का स्क्वायर तो होता नहीं तो ये तो खेल खत्म इसका देन इसके बाद तीन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर इज लेस देन टू टू दी पावर थ्री सो थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन एंड नाइन इज लेस देन एट ये भी गलत होता है ओके एंड देन इसके बाद फाइव का स्क्वायर तो इसका करेक्ट आंसर फाइव ही होगा क्योंकि पुट करने पर जो है आंसर फाइव आ रहा है यस yes. तो इसमें पुट करके देख लिया गया डायरेक्टली मतलब ये कैसा क्वेश्चन है प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोल्यूशन भी देखे तो इन लोगों ने पुट करके देखा है दैट uh, तीन फॉल्स आए हैं और एक स्टेटमेंट आपका ट्रू आया है सो करेक्ट आंसर इसका किसके लिए होगा एन इक्वल्स टू फाइव इज द करेक्ट आंसर डन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं

सो so, आपके पास dy वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा बट यहां पर क्या बनेगा देखिए माइनस का साइन आएगा प्रॉब्लम ये है अब मैं फोर्थ वाले को देखता हूँ dy में तो ये बन नहीं रहा है तो ये तो चलो जान दो इसको ओके okay? ये वाला देखता हूं मैं देखिए पहले मैं टू नंबर वाले को देखता हूं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर सो 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 क्या होगा डी वाई के नीचे मैं वन प्लस वाई स्क्वायर को बुलाऊंगा और इधर पे डी एक्स के नीचे जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली exactly तो आंसर मेरे को समझ में आ रहा है आंसर टू होना चाहिए इसका और वाकई में है भी टू तो थोड़ी सी मेहनत थी आपको देखना था और प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के साथ आपको भी देखना आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ओके इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू दैन द वैल्यू ऑफ फॉग एक्स भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है फॉग ऑफ एक्स निकालना है मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आपको सिंपली फाइंड करनी है तो बहुत आराम से आप सिंपली फाइंड कर लोगे एफ ऑफ जी एक्स वैल्यू पुट कर दो और सिंपली हमसे आंसर निकाल दो तीन कॉमन ले लिया है वो अभी कॉमन लेना लियो भाई अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी एंड ए ए सी बी सी सी स्क्वायर तो कह रहा है लेमडा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार देखे हैं एन सी आर टी की बुक्स में तो आई थिंक लेमडा इक्वल टू फोर आता है तो वो तो एक अलग बात है और इसको करने का दूसरा तरीका क्या आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप यहाँ पर ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू और सी इक्वल्स टू थ्री बी पुट करके कर सकते हो तो ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू सी इक्वल टू थ्री भी पुट करके देख सकते हो ओके तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा और बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई देखिए यहाँ वाली रो से ए कॉमन आ रहा है इधर से भी ए कॉमन आ रहा है तो आप इधर से ए कॉमन ले ले इधर से बी कॉमन ले ले इधर से सी कॉमन ले ले फिर इसके बाद ए बी सी कॉमन ले ले तो क्विकली आपका आंसर आ जाएगा देखिए आपने ए बी सी कॉमन ले लिया है फिर इसके बाद आपने ए बी सी फिर से कॉलम से कॉमन ले लिया है तो आपके पास आंसर कितना आता है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बहुत ही आसान वाली चीज़ है ओके okay, कुछ नहीं करना आपको एक बार रो से कॉमन ले लेना देखिए आर वन आर टू आर थ्री से ए बी सी कॉमन ले लिया है एंड फिर उसके बाद सी वन सी टू सी थ्री से कॉमन ले लिया है ये स्ट्रक्चर बन जाएगी ओके okay, और इसके बाद आप इसको जोड़ करके जीरो 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 ही बना सकते हो जितने जीरोज बन जाए आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा एंड फाइनली लेमडा इक्वल टू फोर चलिए हाउ मेनी वेज एट फोर्टी सिक्स कैन बी रिटर्न इन टू टू फैक्टर्स कह रहा है कि 846 को टू फैक्टर्स के रूप में आप कितने टाइप से लिख सकते हो भाई साहब तो ये क्वेश्चन सबसे पहली है न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है आप इसमें न्यू कैटेगरी डाल दो दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन गुड क्वेश्चन हाउ मेनी वेज एट फोर्टी सिक्स कैन बी रिटन एस टू फैक्टर्स दो फैक्टर की फॉर्म में आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हो देखो कैसे करेंगे देखिए आपके पास टोटल फैक्टर कितने होते हैं आपके पास टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फोर्टी सेवन आपके पास टोटल फैक्टर ये है एट फोर्टी सिक्स के जो आपके पास फैक्टर हैं <coughs> तो ये आपके पास में टोटल फैक्टर बन रहे हैं मतलब आपके पास कितने हैं हैं चार है। अब आप यदि देखें तो टू फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना आपको ना तो एक दो तीन चार चार है आपके पास में और चार में से आपको कोई दो को उठाना है आपको चार में से किसी दो को उठाना है क्योंकि चार में यदि एक किसी पको पकड़ लोगे तो बाकी वाला हिस्सा क्या बन जाएगा वो कोई दूसरा बन जाएगा तो मेरा एक लॉजिक कह रहा है तो बिल्कुल लॉजिक काम कर गया आंसर कितने तरीके होंगे छह तरीके होंगे और यदि आप मेथड की बात कर रहे हो तो मेथड में क्या लगेगा भाई साहब मेथड की आप यार कलर चेंज कर का ओके okay. हाँ अब थोड़ा ब्राइट दिख रहा है बढ़िया मज़ा आ रहा है ओके okay. तो देखिए अपने पास में है आ, यदि आपके पास में बात करता हूँ मैं फैक्टर एट फोर्टी सिक्स की तो टोटल फैक्टर सबसे पहले इसके निकाल लो आप तो टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू, इंटू, इंटू सेवन ये टोटल फैक्टर इसके बन चुके हैं देन इसके बाद आप क्या ले सकते हो टू मल्टीप्लाई बाई ये पूरा ले सकते हो ओके टू मल्टीप्लाई बाई पूरा ले सकते हो फिर ये ये दोनों ले लोगे तो ये वाले पार्ट बच जाएंगे ठीक है ना फिर आप ये दोनों ले लोगे तो ये वाले पार्ट बच जाएंगे और फिर आप थ्री को छोड़ दोगे तो ये पार्ट बन जाएंगे और फाइनली वन इंटू एट फोर्टी सिक्स भी एक पार्ट बचेगा ओके तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है दिमाग की खपत लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे एक बार बट मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ देखिए सबसे पहला फैक्टर बन रहा है टू इंटू फोर ट्वेंटी थ्री देन इसके बाद टू और थ्री को आपने साथ में ले लिया तो सिक्स इंटू वन फोर्टी फोर फिर थ्री और थ्री को साथ ले लेंगे तो नाइन इंटू फोर्टी सेवन इंटू नाइन बन जाएगा टू और और को साथ में लेते हैं तो फोर्टी सेवन और टू को यदि साथ में लेते हैं फोर्टी सेवन टू जा नाइन्टी फोर हो गया हम्म तो नाइनटी फोर इंटू नाइन ही आ गया खैर चलो ठीक अच्छी बात है और फिर फोर्टी सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री ओके दैट इज कॉल्ड टू एट्टी टू सॉरी कुछ और होगा फोर्टी सेवन इंटू टू थ्री इंटू थ्री यदि आपने साथ में ले लिया है सो so, ये तो बन ही चुका यार फोर ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री ओके फिर क्या बच गया अपने पास ये भी हो गया फोर्टी सेवन इंटू एटीन टू नाइन जो एट्टीन यस एग्जाम फोर्टी सेवन कोके ले लिया और लास्ट में एट फोर्टी सिक्स इंटू वन तो भाई साहब संभल संभल के करने की जरूरत है इस सवाल को आपको और इसके टोटल कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको छह फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना चलिए और ये तो हो गया ठीक 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 चलिए नेक्स्ट ये जो कंसेप्ट मैंने बताया फोर सी टू यहाँ पर मत लगाइए क्योंकि यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक जो लास्ट में आपने लिया है वन इन एट फोर्टी सिक्स वो एक बाय चांस आ गया वो सूट कर गया बट उसका मतलब ये होता है चार में से कोई दो आपको उठाने हैं बट ऐसा आप यहाँ पर सूट नहीं करेगा क्योंकि देखिए आपके पास आप एक पेयर को ये लेते हो ना एक पेयर को किसी को फिक्स मान लेते हो और बाकी को लेते हो तो इसमें मैनुअली आपको चेक ही करना पड़ेगा कि कितने बनेंगे डॉन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ एक्स टू दावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए तो ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल भाई पॉजिटिव इंटीग्रल कहाँ से शुरू होता है वन से शुरू होता है और सबको पता है कि एक्स की पावर एन माइनस वन का जो फैक्टर होता है एक्स माइनस वन से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ए की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो वन ही होगी ओके okay? और ये देखिए यस गिवन दैट एक्स टू द पावर एन माइनस वन इज डिविजल बाई एक्स माइनस ए फॉर एक्स इक्वल टू वन एक्स माइनस वन इज डिविजल बाई एक्स माइनस ए एग्जैक्टली सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ वन सो ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी डिस्कस करते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर वन बाई टू एंड वन बाई थ्री ए बोथ आर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होने के कितने केसेस बनेंगे मतलब प्रॉब्लम आइदर ए और बी मतलब कि प्रॉब्लम या तो ए सॉल्व कर ले या तो बी सॉल्व कर ले ओके या ए और बी दोनों ही सॉल्व कर ले पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो यहां पे क्या आ जाएगा जब दोनों सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली तो पी ए इंटू पी बी आ जाएगा तो एक केस तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं दूसरा तरीका है कि वन में से दोनों के सॉल्व ना करवाने वाले केस को आप माइनस कर लीजिए ना तो एक सॉल्व कर पाए और ना तो दो सॉल्व कर पाए दोनों ही सॉल्व कर पाए उसको वन में से माइनस कर देंगे तो वन माइनस एक का सॉल्व ना कर पाना वन बाई टू और दूसरे का सॉल्व ना कर पाना वन माइनस वन बाई थ्री मतलब बोले तो टू बाई थ्री टू से टू कैंसिल सो वन माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा सो so आंसर इसका कितना आएगा टू बाई थ्री तो देखते हैं सोल्यूशन में किस तरीके से दिया है देखो भाई सोल्यूशन में दूसरे तरीके से दिया हुआ है जो कि हमने ऐसे तो नहीं किया है हमने दूसरे टाइप से किया हुआ है कैसे करा है, हमने देखिए हमने आपको जो क्वेश्चन बताया हमने कहा कि दोनों ही सॉल्व ना कर पाए ओके आ, और उसको वन में से आप माइनस कर दो एक केस हो गया बट यहां पर कैसे किया गया है इसमें तीन केसेस बनाए गए हैं कि ए सॉल्व कर लेता है और बी सॉल्व नहीं कर पाता है ठीक है ए सॉल्व नहीं कर पाता है बी सॉल्व कर लेता है या दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर कितना आ टू बाई थ्री सो भाई प्रोबेबिलिटी के so, so uh, so, क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे आप लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वॉट इज द रिमाइंडर वेन फोर टू पावर थाउजेंड इज डिवाइडेड बाई सेवन लो भाई फोर टू पावर थाउजेंड को जब आप सेवन से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे फोर टू पावर थाउजेंड है आप इसको कैसे लिख सकते हो देखो सेवन से आपको डिवाइड करना है सेवन से आपको डिवाइड करना है ठीक ना फोर पावर सेवन को आपको सेवन से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा आप फोर टू द पावर थाउजेंड को फोर टू दावर टू की होल पावर फाइव हंड्रेड लिख सकते हो और फोर टू दावर टू दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन टू द पावर फाइव हंड्रेड अपॉन सेवन और यहां पर सिक्सटीन को क्या लिखा गया है 16 टू द पावर 500 हंड्रेड इज इक्वल्स टू 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 द पावर 500 हंड्रेड अपॉन सेवन ऐसा क्यों कर दिया गया भाई टू टू द पावर 500 क्यों कर दिया गया है रिमाइंडर निकालने की बात की गई है और 16 टू द पावर 500 को टू टू दावर पावर 500 की फॉर्म में हम क्यों लिख लिए यहाँ पे सोचने वाली बात है सो टू टू दावर टू इन टू 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 द पावर थ्री होल टू दावर वन बाई सिक्स कुछ तो क्लियर हुआ है यहाँ पे गड़बड़ हुई है सोचिए जरा क्या होना चाहिए ओके okay, दोस्तों चलिए अभी इसका कंसेप्ट हमारे कवर रीच में नहीं है तो इसको हम ड्यू करते हैं और अभी हम सॉल्व करके इसको बताएंगे थोड़ी देर में आपको एट द एंड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास बैक टू बैक आते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 टू इफ टेन इनवर्स वर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स वर्स एक्स तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स कह रहा है कि टेन इनवर्स वर्स एक्स की वैल्यू कॉट इनवर्स वर्स एक्स से बड़ी है या तो आप इसको ग्राफ से कर सकते हैं और दूसरा आप जानते हैं कॉट इनवर्स वर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वर्स एक्स ओके सो देखिए यहां पे सो मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस टेन वर्स एक्स और टेनवर्स एक्स यहां पर टेन वर्स एक्स ग्रेटर देन फोर और अब टेन वर्स एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ करता है तो एक्स इज ग्रेटर देन वन ओके तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन वन तो डन ये भी हो गया हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थ्री मैपिंग्स हमारे पास दी गई तीन फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं अब कह रहा है आर आर दीज दीज ऑफ लीनियर इसमें से कौन से हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं सो एक फंक्शन तो हमें दिया गया है आर की पावर थ्री से लेके आर की पावर स्क्वायर मतलब रियल नंबर के क्यूब से लेके रियल नंबर के स्क्वायर में दिया गया एंड द फंक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड आर क्यूब से लेके आर में दिया गया है टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इन टू वाई एंड टी आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर में दिया गया है टी एक्स वाई इज एड मॉड ऑफ एक्सकॉमा ज़ीरो तो भाई डायरेक्टली तो आ, ऐसे पता नहीं चलेगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी हुआ करती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है आई थिंक टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इंडिविजुअली टी एक्स प्लस टी वाई शायद ये प्रॉपर्टी होती है देख लेते हैं एक बार क्या ऐसे ही करना पड़ता है यस yes, एग्जैक्टली exactly.

किसी मैपिंग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है क्या याद रखिएगा कि टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई पहली प्रॉपर्टी एंड दूसरी प्रॉपर्टी है टी टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी एक्स चलिए तो फर्स्ट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री ओके एक्स वाई जेड है तीन इनपुट के लिए दिया है तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एन वाई वन वाई टू वाई थ्री तो देखिए टी एक्स प्लस वाई जो फंक्शन दे रहा है वो क्या है एक्स प्लस वन एन वाई प्लस जेड एक्स प्लस वन एन वाई प्लस जेड तो टी एक्स प्लस वाई के लिए क्या कंडीशन बनेगी टी एक्स वन प्लस वाई वन एक्स टू प्लस वाई टू एक्स थ्री प्लस वाई थ्री थ्री इनपुट्स के लिए जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है एक्स वन प्लस वाई वन प्लस वन एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ठीक है ये बन गया इसके बाद टी एक्स प्लस टीवाई कितना बनेगा टी एक्स प्लस टीवाई इक्वल टू टी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस टी वाई वन वाई टू वाई थ्री इसको हमने अलग अलग किया तो सबसे पहले इन तीनों पे फंक्शन बनाइए तो इन तीनों पे फंक्शन क्या बनता है देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है एक्स वन कॉमा वाई वन पर फंक्शन बनता है एक्स वन प्लस वाई वन प्लस वन एक्स वन प्लस वाई वन प्लस वन तो यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा एक्स टू एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन प्लस वन एक्स टू कॉमा एक्स थ्री एंड वाई वन प्लस वन वाई टू कॉमा वाई थ्री और अब इसके बाद इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्स वन प्लस वाई वन प्लस टू एक्स थ्री प्लस एक्स टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री एड कर देंगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है सो so, एक लेंथी प्रोसेस है इसमें आपको चारों को करना पड़ेगा सो so, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप के का पेपर देने जा रहे हैं और आपको अगर लीनियर मैपिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप अटैम्प्ट पहले मत करिए इसको आप बाद के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त यह बर्बाद कर देगा क्वेश्चन so, सो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 44 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स विल द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट विल बी नेगेटिव देखो कह रहा है कि इसकी किस वैल्यू के लिए एक्स की ये निगेटिव होगा तो आपको पता होगा कि निगेटिव होने के लिए पैराबोला जो होता है अगर ए, निगेटिव होने के लिए देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला तो है नहीं ओके अब आपको कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए निगेटिव होना चाहिए तो आप इसको इनक्वलिटीज़ के वेज़ में सॉल्व कर दीजिए बेस्ट है अगर यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला माइनस में होता तो फिर हम एक और तरीका लगा सकते थे बट फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमको इसको निगेटिव में बताना है तो डायरेक्टली हम इनिकवलिटी सॉल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस लेस देन जीरो तो ये हमने सॉल्व कर दिया मेथड हमने लगा दिया है तो देखिए एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू तो हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे माइनस फोर कॉमे टू सो प्लस माइनस प्लस तो इन इक्वालिटी कितनी है कि, 4 से लेकर टू के बीच में ये नेगेटिव होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन लेट ए एंड बी आर द दूनिट वैक्टर इन इज द एंगल बिटवीन देम देन ए माइनस थ्री बी विल बी ऑल्सो यूनिट वेक्टर लियो भाई क्या करना है कुछ नहीं आपको ए माइनस थ्री बी यूनिट वेक्टर दिया है मतलब मॉड ऑफ ए माइनस थ्री बी ज इक्वल टू कितना दे रखा वन सॉरी रूट है तो अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर ले लीजिए इसका क्या ले लीजिए स्क्वायर ले लीजिए अगर आप इसका स्क्वायर ले, ले लेंगे तो ये इस तरीके से टूट जाएगा ए माइनस थ्री बी ए माइनस थ्री बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मॉड ए का स्क्वायर थ्री बी का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री ए बी इक्वल टू वन तो ए का स्क्वायर वन हो गया रूट थ्री बी का स्क्वायर थ्री हो गया माइनस टू रूट थ्री ए मॉड बी और ये यूनिट वैक्टर दिए तो इस तरीके से इसका एंगल जो आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है फाइव बाई सिक्स आ रहा है बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री टू दी पावर एन टू एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस के इज डिविविजल बाई सिक्सटी फोर देन द लीस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के कह रहा है कि अगर ये नंबर अगर ये नंबर जो है 64 से डिवाइड हो रहा है तो के की सबसे छोटी वैल्यू आपको बताना है अगर ये नंबर जो है किससे डिवाइड हो रहा है सिक्सटी से डिवाइड हो रहा है तो आपको बताना है कि के की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी देखिए बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट का क्वेश्चन है आपके पास जो टर्म आपके पास है वो कितना है थ्री की पावर टू एन प्लस टू तो सबसे पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा तो थ्री की पावर टू एन प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू नाइन एन प्लस वन ओके okay, वन प्लस एट होल्ड टू द पावर एन प्लस वन जब इसको मैंने सॉल्व किया एन सी एन प्लस वन एट की पावर जीरो एन प्लस वन एट एन, एन प्लस टू एट की पावर टू इस तरीके से ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है अब मेरे पास जो वहाँ पे पीछे जो क्वेश्चन दिया था वो कितना था थ्री की पावर टू एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस के तो ये मैंने एक्सप्रेशन रख दी कितनी वो देखो ये कितना बनेगा मेरे पास वन बनेगा पहला बनेगा वन फिर एन प्लस वन इंटू एट बनेगा ये एन प्लस वन इंटू कितना एट और अगले जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबसे एट स्क्वायर कॉमन आएगा तो इनके सबके अंदर रख दो ये ऐसा ओके इतना हो गया और हमारे पास अब क्या है इसके आगे क्या है हमारे पास इसके आगे चलते 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 है माइनस एट एन और माइनस का वन ये हमारे पास दिया है आ, शायद यही दिया ना मैं एक बार देख लूं कंफ्यूज नहीं रहा हूं माइनस एट एन माइनस के ओके 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 माइनस एट एन माइनस के दे रहा है अब कह रहा है कि अगर ये सिक्सटी फोर से डिवाइड है देखो भाई साहब अब एक चीज आप ये समझो कि यदि आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा वन प्लस एट एन प्लस एट ओके okay? यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा वन प्लस एट एन प्लस एट और फिर इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो सिक्सटी फोर के टर्म्स आएंगे जितने भी टर्म्स आएंगे वो सिक्सटी फोर के टर्म्स आएंगे और चलते 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 चलते, चलते कितना माइनस एट एन माइनस के तो एट एन से एट एन तो कैंसिल हो जाएगा अब कह रहा अगर ये सिक्सटी फोर का मल्टीपल है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए देखो भाई एट प्लस वन कितना आ रहा है नाइन और अगर आप चाहते हो कि ये सिक्सटी फोर से डिवाइड हो तो ये नाइन और के एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए मतलब के की वैल्यू कितनी होगी नाइन होगी के की वैल्यू कितनी होगी नाइन होगी तो लॉजिकली इस क्वेश्चन को करो सोल्यूशन से क्वेश्चन बहुत भारी दिख रहा होगा आपको सोल्यूशन से मत जाओ उससे कुछ खास नहीं मिलेगा आपको चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो इसमें न्यूटन बर्नोली थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स साइन एक्स ओके और ऊपर दिया गया ये तो लिमिट लगानी पड़ेगी आपके पास यदि डायरेक्टली जरूर सेक्स जीरो कितना होता है सेक्स यदि आप यहाँ पे सेक्स स्क्वायर टी डी टी है तो यदि लिमिट जीरो से लेके जीरो पुट कर दोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा और नीचे जीरो अपॉइन जीरो बन रहा है मतलब हमको न्यूटन थ्योरम यहाँ पे लगानी पड़ेगी तो कैसे लगाते हैं न्यूटन थ्योरम ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे तो दिख रहा है आपको डिफरेंशिएशन बिंदास फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर कैसे लगाते हैं देखो ऊपर पहले सबसे पहले क्या करते हैं जो फंक्शन है उसको यहाँ पर फंक्शन में पुट कर दो मतलब सेक् स्क्वायर स्क्वायर और ऊपर की लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस सेक लिमिट जीरो और जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा जीरो का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो तो कितना बन गया टू एक्स टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो यहां से टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो चुका है ठीक है ना तो और भाई साहब फिर देखिए इतना आने के बाद अब क्या करना है ऊपर से और नीचे से एक्स कॉमन ले लीजिए तो ऊपर से नीचे से एक्स कॉमन लेके ये बन जाएगा कॉस एक्स ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स और ऊपर बन गया ऊपर बन गया ऊपर बन गया सेक एक्स का स्क्वायर अब लिमिट पुट कर दीजिए तो टू वन प्लस वन अपॉन वन तो आंसर आ गया टू भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन आया था बहुत ईजी क्वेश्चन था चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स की पावर एन बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो भाई वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स की पावर एन देखो एक्स की पावर एन की कोफिशियंट एक्स की पावर एन की कोप्शन तो आपको इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि ये तो खुलने से रहा आपको इसको खोलना पड़ेगा और इसको खोल करके मल्टीप्लाई करके एक्स के पावर एन के कोफिशियंट आपको देखने पड़ेंगे देखो तो कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन इन वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन तो सबसे पहले देखो यहां पर ए, ऐसे देख लो आप लोग वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई जब आप इसको खोलोगे वन माइनस एक्स की पावर इनको कैसे खोलता है ये वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स होके मतलब यदि कोफिशियंट की बात करूँ तो वन माइनस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब और लास्ट में आ के जो बनेगा अपने पास में एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन और प्लस माइनस जो भी होगा वो चलेगा अपने पास में है ना माइनस वन की पावर एन चलेगा तो चलो अब देखो आपको एक्स की पावर एन का क्वेश्चन चाहिए तो एक तो आपको ये दे देगा कि सॉरी इसके पहले वाला देगा आपके एक्स की पावर एन माइनस वन वाला तो एक आपको कौन देगा कोफिशियंट एक तो वन के साथ जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा तो एक कोफिशेंट आपके पास पास कितना बनेगा एक पास बनेगा एक आपके की पावर एन और साथ में न, c, एक तो ये बन गया दूसरा जब बनेगा मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर एन माइनस वन के साथ तब मिलेगा तो वहां पर माइनस वन की पावर कितनी चल रही होगी एन माइनस वन और एन सी एन माइनस वन बहुत बढ़िया तो भैया एन सी एन माइनस वन कितना होता है एन ही होता है और हमारे पास क्या चीज आ गई है तो माइनस वन की पावर एन अगर मैं कॉमन ले लू तो एनसी एन की वैल्यू कितनी होती है वन और यहां पे कितना बचेगा माइनस वन ओके और मल्टीप्लाई में एन तो आंसर आ गया माइनस वन की पावर एन वन माइनस एन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में बट अच्छा क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन की बात करते हैं थ्री इंटीजर्स आर चूज एंड रैडम फ्रॉम द फर्स्ट ट्वेंटी पॉजिटिव इंटीजर द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज इवन कह रहा तीन नंबर चूज किए गए हैं और ऐसे चूज़ किए गए हैं कि उनके प्रोडक्ट ईवन हो तो भाई तीन नंबर चूज करोगे तो प्रोडक्ट ईवन होने का केस क्या होता है पहले ये समझो कि क्या ऑड ऑड का प्रोडक्ट इवन होता है कि नहीं होता है ऑड ऑड का एक से लेकर के बीस तक के नंबर है फर्स्ट ट्वेंटी पॉजिटिव से एक दो तीन चार पाँच छः ले लेकर बीस तक के नंबर तो पहले आप ये देखो कि अगर आप ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा बट यदि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा ओके ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी तो कह रहा है कि आपको कह रहा है कि वो फाइंड करो देयर प्रोडक्ट इज इवन तो अब इवन के लिए तो ऐसे बहुत सारे केसेस छाटने पड़ेंगे तो हम वन में से उन केसेस को माइनस कर देते हैं जिनमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकलता है ऑड निकलता है ठीक है ना सो प्रोडक्ट ऑफ द थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थ्री टू भी नहीं थ्री इंटीजर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट हमको क्या मिलना चाहिए इवन मिलना चाहिए तो एक ही केस में ऑर्ड मिलेगा जब आपका चूज किया गया तीनों नंबर आपके पास ऑर्ड हैं, तो उन केसेस की प्रोबेबिलिटीज को हटा दीजिए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल ऑर्ड ऑल ऑर्ड चलो भाई साहब तो वन माइनस हाँ प्रॉबिलिटी पहला नंबर चुनते हैं टोटल नंबर कितने ट्वेंटी तो ट्वेंटी में से एक का सिलेक्शन किया भाई साहब तो ऊपर ऑड कितने हैं दस हैं क्योंकि दस इवन और दस ऑड टेन सी वन दूसरा दूसरा नंबर चुनेंगे टोटल नंबर कितने बचे नाइनटीन नाइनटीन में से एक नंबर चुना और ऊपर कितने चुने नाइन में से वन और लास्ट एट सी वन अपॉन एटीन सी वन एंड फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा भाई साहब कितना आ जाएगा वन माइनस इसका उसको सॉल्व कर लो सेवनटीन अपॉन नाइनटीन क्वेश्चन का कंसेप्ट को पकड़ो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अगर आप बाकी तरीकों से जाओगे तो क्वेश्चन <coughs> बहुत बड़ा हो जाएगा बट राइट कंसेप्ट में चलेंगे तो प्रॉबलिटी छोटे तरीके से हो जाती है चलिए अगला क्वेश्चन भाई साहब द स्मोलेट पॉजिटिव वैल्यू इंटीग्रल ऑफ वैल्यू ऑफ एन फॉर दिस वन प्लस आई टू पावर टू एन इक्वल टू वन माइनस आई टू पावर टू एन तो एन को लेकर के खेल रहा है तो तो क्वेश्चन मैं कहूंगा ले लिया टू एन ले लिया ओके अब वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई कितना आता है वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई कितना आता आपने रेशनलाइजेशन यदि किया होगा तो ये अपने पास आता है i एंड i टू दी पावर टू एन इक्वल्स टू कितना बोल रहा है वन बोल रहा है है ना i टू दावर टू एन इक्वल्स टू वन बोल रहा है तो टू एन की वैल्यू क्या रखी जाए तो n की वैल्यू यदि आप टू टू जा फोर पुट करोगे n की वैल्यू टू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा आंसर तो करेक्ट आंसर क्या है थ्री मतलब बिल्कुल सही है टू आ गया है मतलब ऑप्शन नंबर थ्री जो अपन ने सॉल्व कर लिया तो देखिए अब यहाँ पे मेरे को क्या रिजल्ट था मैं डायरेक्टली इस पॉइंट से सीधे यहां पे कूद के आएगा इधर पे आया क्यों क्योंकि मुझे याद है कि वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई कितना हुआ करता है आई ओके okay. तो वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई ये जो सॉल्व करते हो ना आप इसकी वैल्यू कितनी होती है आई तो ये कितना चला है आई की पावर टू एन है और आई की पावर टू एन इक्वल टू वन है और टू एन कितना होना चाहिए भाई साहब फोर होना चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी होगी टू होगी तो शॉर्टकट मेरा जो है यहाँ पे काम कर गया है बढ़िया तरीके से चलो आगे बोलते हैं भाई साहब क्वेश्चन है मीन ऑफ द क्वेश्चन थ्री फाइव फोर एट सेवन एंडल देन द मोड इज ओ भाई साहब मीन मोड निकालना है मतलब एक चांसेस है कि रिपीटिंग डेटा ना मिल जाए तो तीन प्लस पांच आठ चार बारह बारह आठ बीस सात सत्ताईस प्लस के बट्टे कितने नंबर है एक दो तीन चार पाँच, बराबर कितना हो गया भाई साहब पांच सत्ताईस प्लस के इक्वल टू सिक्स फाइव थर्टी तो के इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब तीन आ गया मतलब एक डेटा थ्री है तो रिपीटिंग डेटा जो हाईएस्ट बार होता है वही क्या होता है मोड होता है तो आंसर क्या होगा थ्री फोर का ऑप्शन थ्री सही एकदम ये लो जी लट्टू क्वेश्चन एकदम अगला क्वेश्चन है <clears throat> अगला क्वेश्चन है द रियल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस मॉड लेस इक्वल टू वन इन इक्वालिटी का क्वेश्चन वो भी डबल मोड लगा हुआ है भाई साहब तो क्या मन में क्या फूट रहा है मन में फूट रहा है कि क्या ऑप्शन से चेक कर लिया जाए ऐसे नंबर जो सेटिस्फाई करे एक्स माइनस वन माइनस वन का मॉड लेस देन वन हो वन से कम हो वन से कम तो एक चीज देखो अगर आप इसको ये तो एक तो सॉल्व खोल करके किया जाए और दूसरा है आपके पास कि इसको वैल्यूज़ पुट करके भी आप कर सकते हो ठीक ना तो यदि मैं इसको खोल करके ओपन करके सॉल्व करूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखो यहां पे मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मेरे पास दो पार्ट में खुलेगा चलो इसको करता हूं मैं देखो आपके पास पहला क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को ब्रेक करने के लिए मैं अंदर के ऑर्गोमेंट को जीरो से इक्वल करूंगा तो एक्स माइनस वन इक्व टू यानी एक्स इक्वल टू वन अब आपके पास रहा है तो सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स अगर लेस देन वन होता है जो मैं कह रहा था ना मॉड x माइनस वन क्योंकि अंदर का आर्गुमेंट बैठा हुआ है एक्स माइनस वन दो केसेस बनेंगे एक माइनस एक्स माइनस वन वेन तो पहले मैं इसके लिए सॉल्व करता हूं एक्स लेस देन वन के लिए तो एक्स लेस देन वन के लिए मैंने क्या रख दिया इसके अंदर माइनस एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन है तो भाई वन से वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स मॉस्ट लेस देन इक्वल टू वन हो गया ठीक है ना देखो अब माइनस एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू वन कह रहा है माइनस एक्स का मॉड जो है लेस देन और इक्वल्स टू वन है इट मींस मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन ठीक है माइनस एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू वन है और माइनस क्या लगा हुआ है मॉड के ऊपर लगा हुआ है तो माइनस का इफेक्ट गायब हो जाएगा और केवल बचेगा एक्सिस लेस देन और इक्वल टू वन दिस मीन्स बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन एक्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन टू प्लस वन होगी बट एक बात याद रखो आप ये जो सिचुएशन थी आपकी ये कब की थी जब x की वैल्यू वन से लेस थी इसलिए पहला आपके पास जो आपका इंटरवल आएगा वो माइनस वन से लेके वन के ओपन इंटरवल में आएगा पहला केस तो ये बन गया आपका ओके <coughs> तो यहां पर सबसे बड़ा पंच ये है, ये है वाली चीज ओके तो कभी भी मॉड ऑफ माइनस एक्स आएगा आपको तो मॉड ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो मोड एक्स ही होता है और क्यों ना हो भाई दो उसके आंसर्स निकलते हैं एक प्लस एस एस माइनस एक्स तो अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है चलिए सेकेंड केस लेते हैं वेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन क्या लिया है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन तो इसमें इक्वल टू वन भी शामिल है तो वन पर इक्वल रख करके हम देख लेंगे तो इस केस में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन नौ दिस केस में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन ठीक है ना मोड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन तो यहाँ पर मैंने इक्वल का केस साथ में ले लिया है तो देखिए क्या आ रहा है इक्वल के केस में अच्छा आप इंडिविजुअली भी इक्वल केस इसमें रख करके देख सकते हो इक्वल वन में क्या आएगा अगर आप इक्वल वन में चांस लेना चाहते हो तो देख लो इक्वल वन पे रख दो तो देखो वन माइनस वन कितना हो गया ज़ीरो एंड जीरो माइनस वन का माइनस वन का अमाउंट दैट इज इक्वल टू वन ठीक है ना मतलब वन इसका आंसर है मतलब वन इसका आंसर एक है यस yes. सो so, पे थे हम लोग यहां पे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ये इतना आ गया एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन सो एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू वन ओके तो देखिए यहां पे अब इसके बाद क्या होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू वन अब यहां पे हमारे पास एक्स माइनस टू की वैल्यू कहां से कहां जाएगी यहां पे सॉल्व करना है देखिए x माइनस टू की वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन में ट्रेवल करेगी तो x की वैल्यू क्या कर दो प्लस टू एड कर दो तो माइनस वन प्लस टू और वन प्लस टू तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है वन से लेके कर थ्री के बीच में वन भी इक्वल है तो अब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा माइ सॉरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है वन से लेके थ्री के बीच में तो ऑल टोटल आपके पास आंसर कितना आएगा देखिए पिछले बार जो आपके पास x का डोमेन आया था वो माइनस वन से वन आया था वन ओपन था बट इस बार वन इंक्लूडेड है तो क्या हो जाएगा माइनस वन से लेकर के थ्री इसका पहला पार्ट थोड़ा सा ड्रामेटिक है इसको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा एक बार फिर से मैं इसके पहले पार्ट को बता देता हूं हुँ? कैसे करेंगे देख लो इसका पहला पार्ट जो है इसके पहले पार्ट में आपके सामने दिया गया है कि एक बार क्वेश्चन देखो हाँ ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया फाइंड द रियल द रियल सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही तो मॉड एक्स माइनस वन के लिए सबसे पहले मैंने एक्स माइनस वन को माना है लेस देन जीरो तो दैट इज इक्वल टू लेस देन वन सॉरी तो ये किस पर टूटेगा आपके माइनस एक्स माइनस वन पे तो माइनस एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन तो ये मॉड ऑफ माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू वन हो गया मॉड ऑफ माइनस एक्स कह लो या मॉड ऑफ एक्स कह लो दोनों इक्वल हुआ करते हैं ओके okay, और आपके पास में कितना आ जाएगा माइनस uh, वन की एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन से लेके वन के बीच में लाई करेगी और क्योंकि एक्स की वैल्यू वन से लेस लिए हो तो इक्वलिटी यहां पे इक्वलिटी हट जाएगी और एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच में लाई करेगी यही बस थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला तो बहुत सिंपल है और जिस इस लाइन में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इस इस पॉइंट ने क्रिएट किया था कि मॉड माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू वन तो याद रखिएगा कि मॉड माइनस एक्स कहा जाए या मॉड एक्स कहा जाए बात बराबर होती है ओके okay, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दस सम टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इक्वल टू तो पहले इसको एस एन इक्वल टू एन टू टू एन माइनस वन इसको ओपन कर लीजिए तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये है टू एन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एटीन 18, एटीन एन तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ए की इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो ये हो जाता है फ़ोर एन ओके और फोर uh, एन और ये हो जाता है तो बी मतलब माइनस ए तो एट्टीन माइनस टू मतलब कि माइनस एट्टीन और माइनस का टू मतलब कितना हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी एन ये हो चुका है अब आपको टेन थर्म चाहिए तो यहाँ पे एट टेन रख दीजिए तो फोर इन टू टेन दैट इज़ इक्वल टू फोर्टी यहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है एक मिनट टू एन स्क्वायर माइनस नाइन एन है तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का जो बनता है एन टर्म वो बनता है टू ए एन ए एंड प्लस बी माइनस ए ये कुछ बना करता है तो बी की वैल्यू माइनस एटीन है और ए की वैल्यू कितनी है फोर है हाँ जी ए की एटीन और फोर है सो यहाँ पे कितना बन जाएगा एटीन एंड माइनस फोर माइनस एटीन माइनस फोर दैट इज इकल टू ट्वेंटी टू अब हमारे पास यहाँ पे टेंथ तम की वैल्यू पूछी गई तो ऐसा तो हमारी नेगेटिव आ रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रही है मैं जस्ट लेट मी चेक मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है ओ, ओ देखिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट गलत लगा रहा था ए, मैंने मल्टीप्लाई में गलती करी इसलिए मेरी शॉर्ट ट्रिक सही नहीं बैठ रही थी टू एन स्क्वायर माइनस देखिए नाइन एन होगा है ना हाँ इसलिए गलती हो रही थी तो कंसेप्ट होता है अगर आपके पास एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है तो आपके पास जो ए एन हुआ करता है दैट इज इक्वल टू टू ए एन प्लस बी माइनस ए हुआ करता है तो टू ए एन कितना हो जाएगा यहाँ पे ए एन इक्वल टू हो जाएगा टू ए एन मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ही कह लो ये डायरेक्टली हो गया फोर एन एन माइनस बी एन प्लस बी माइनस ए तो बी कितना है माइनस नाइन और माइनस नाइन और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस बी माइनस ए तो माइनस नाइन माइनस टू मतलब हो गया माइनस इंटू ए कितना अपने पास हाँ इंटू एन तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं हमारे पास वैल्यूज देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेंथ टर्म हमको सॉल्व करना है तो फोर इंटू टेन फोर्टी और फोर इंटू टेन फोर्टी और माइनस नाइन माइनस टू मतलब माइनस इलेवन एक मिनट ऐसे ए एन प्लस बी एन स्क्वायर है न हाँ ए एन प्लस बी माइनस ए तो बी तो अपने पास में माइनस नाइन ही था और माइनस ए कर दिया तो माइनस टू हो गया माइनस इलेवन और माइनस इलेवन इंटू टेन तो इलेवन इंटू टेन वन हंड्रेड टेन हो जाएगा बट ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है चलिए तो मतलब यहाँ पे ट्रिक अब शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है तो मैं ट्रिक के थ्रू नहीं जाऊँगा मैं सीधे मैथड के थ्रू जाऊँगा अब इसको कैसे करते हैं देखिए तो सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट टर्म निकाल देता हूँ तो जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो एस वन ही होगा ओके फर्स्ट टर्म जो आपको मिलेगा वो कितना होगा एस वन ही होगा हाँ जी तो फर्स्ट टर्म इसका एस वन होगा तो एस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एन स्क्वायर माइनस का नाइन एन तो टू वन जाए टू और माइनस का नाइन ही हो जाएगा मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म आ गया वो माइनस सेवन आ गया और कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो एन स्क्वायर के मल्टीप्लाई का डबल हुआ करता है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे फोर आ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू फोर हो चुका है यहाँ पे एक बार चेक कर लेता तो हूँ मैं कॉमन डिफरेंस फोर ही है कि माइनस फोर आया यस फोर बिल्कुल सही है तो कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट ट्रिक होती है कि एन स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई होता है उसका डबल कर दिया करिए देखिए लंबा समय हो जाता है तो शॉर्ट ट्रिक हम लोगों को ही भूल जाती है काफ़ी प्रैक्टिस रखनी पड़ती है शॉर्ट ट्रिक के लिए अब इसके बाद आपको चाहिए कौन सा ए टेन तो ए टेन इक्वल टू होता है ए प्लस नाइन डी ए प्लस नाइन इंटू डी तो ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है सेवन और प्लस नाइन इंटू डी की वैल्यू कितनी है फोर तो माइनस का सेवन और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो 36 में से 7 गए <coughs> तो कितना आएगा 29 प्लस का तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा मेरे ख्याल से सी 29 राइट आंसर जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फिर भी इतना टाइम लगा दिया हम लोगों ने गलत बात है चलिए 54 क्वेश्चन एवेलुएट तो इसको y लेकर के कर देंगे वाईजिकल्टर्न रूट सिक्स प्लस वाई ले लेंगे और ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं देखिए वाई इक्ल टू सिक्स प्लस तो या वाई ले लो या एक्स ले लो इनमें एक्स लेके सॉल्व कर दिया है अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो आपके पास में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू थ्री तो एक आंसर आ रहा है माइनस टू बट रूट का आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता बिकॉज एक्स यहाँ पे पॉजिटिव लिया हम लोगों ने सो आंसर इक्वल टू पॉजिटिव आपको लेना है कितना लेना है थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगर ये तीनों वक्टर कोप्लीनर हैं तो बताइए एक्स की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है आप इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट जीरो करने पर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए एट अपॉइंट फाइव आ जाएगा क्योंकि अगर तीनों वैक्टर कोप्लिनर होते हैं तो उनसे बनने वाला पैरलोपिब्ड का आंसर जीरो होता है उनके वैक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जीरो होता है तो ए बी सी का बॉक्स ए बी सी इक्वल टू कितना आया करता है जीरो इससे सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स तो देखो भैया इस एलिप्स को देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सोलह एक सौ बारह का भाग जाएगा इसमें तो एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन और वाई स्क्वायर अपॉन सेवन इक्वल टू वन तो ए स्क्वायर यहाँ है बड़ा और बी स्क्वायर छोटा मतलब इस वाला ये इस तरीके का एलिप्स uh, जा रहा है ओके okay, और इस तरीके के एलिप्स में क्या रूल लगता है देखिए एलिप्स अपन ने बिल्कुल सही डिजाइन किया है ओके okay, सॉरी तो अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू वन ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर तो बी स्क्वायर कितना है यार यहां पे सेवन इक्वल टू सिक्सटीन और ब्रैकेट में वन माइनस ई स्क्वायर सो so, मैं सॉल्व करूंगा तो सेवन अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू नाइन बाई सिक्सटीन और रूट ले, ले लेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर तो ऑप्शन नंबर थ्री इसेंट्रिसिटी होगी यहाँ पे बिल्कुल सही है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के वो भी ठीक है देखिए द नंबर ऑफ द सल्यूशन देखिए ये नहीं पूछा है कि सल्यूशन क्या है पूछ रहा है नंबर ऑफ द सल्यूशनस मतलब आपको रूट्स पूछे गए हैं कि रूट्स कितने होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन वर्स बी वाला जाएगा इसमें तो ये देखिए सॉल्व कर दिया टेन वर्स ए और टेन वर्स बी बट याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब ए इन टू बी लेस देन वन हुआ करता है तो यहां पे एक चीज अब जैसे आपके पास आपको याद होगा कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन वर्स बी ओके टेन वर्स ए टेन वर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस सॉरी ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी ये होता है और इसमें रूल क्या होता है ए इज़ लेस देन वन बी इज़ लेस देन वन एंड मॉड ऑफ ए बी सॉरी ए इंटू बी इज लेस देन वन ये तीन कंडीशन होती हैं तब ये फार्मूला वैलिड हुआ करता है ठीक है ना तब ये फार्मूला वैलिड हुआ करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अपने पास में सिक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है और रूल क्या होता है सिक्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन वन बाई सिक्स और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी माइनस वन बाई सिक्स से लेके प्लस वन बाई सिक्स तो इनके बीच में हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं एक आ रहा है माइनस वन बाई सिक्स और एक वन बाई सिक्स और वन बाई माइनस वन बाई रूट सिक्स और प्लस वन बाय रूट सिक्स तो इसके बीच में माइनस वन तो होगा नहीं माइनस वन तो काफ़ी पीछे होगा तो करेक्ट आंसर किसका कितना होगा इसका आंसर होगा वन बाई सिक्स ओके okay. इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वन बाई सिक्स क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है माइनस वन बाई रूट सिक्स और यहाँ पे है कितना वन बाई रूट सिक्स यहाँ कहीं पर वन बाई सिक्स आएगा क्योंकि बीच में जीरो होगा तो इसका कितने सोल्यूशन होंगे ऑनली वन सल्यूशन होंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट को आप याद रखिए कि टेन वर्स ए प्लस टेन वर्स बी इक्वल टू टेन वर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी ए बी लेस देन वन होगा तो देखा ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था ही चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटू दिस थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर वन माइनस एक्स तो देखिए इसको देख करके मुझे सबसे पहले याद आती है व्हाट आई रिकॉल रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जीएम एंड यू नो ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम तो यहाँ पे यहीं पर ये प्रॉपर्टी लगेगी अर्थमैटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तो चलिए उसी से सॉल्व करते हैं देखिए अर्थमैटिक मीन जो है अपॉन्ट टू इज इक्वल टू वन अपॉ थ्री की पावर एक्स इंटू थ्री की पावर वन माइनस एक्स की पावर होल पावर वन बाई टू तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या आएगी टू रूट थ्री इसकी मिनिमम वैल्यू सेट हो जाएगी ओके सोल्यूशन बिल्कुल ईजी है तो टू इंटू रूट थ्री तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर कहीं पर अगर इसकी मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू निकलती है तो कहीं पर आपको टू के जरूर दर्शन हो जाएंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन कैंसिल अगर टू के दर्शन हो रहे हैं तो टू रूट थ्री आंसर होना था ओके डन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन सेकंड भाई क्या हो रही है हाँ ठीक है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग रूट टू अल्फा एंड टू बीटा लियो भाई कितना इजी क्वेश्चन है आपके पास रूट्स दिए गए अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है भाई साहब माइनस फाइव एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है सिक्स तो टू अल्फा बीटा करोगे तो टू टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस दस और छः का डबल कितना हो जाएगा बारह ओके नहीं नहीं छः का चार गुना हो जाएगा बिकॉज टू अल्फ़ा टू बीटा करोगे तो चार गुना कितना हो जाएगा चौबीस तो भाई यहाँ पे सी अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की जगह चौबीस बैठेगा और यहाँ पे दस बैठेगा तो आंसर इसका क्या होना चाहिए इसका आंसर टू होना चाहिए और है भी क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू जीरो तो भाई टेंथ क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया ये तो बहुत ही आसान हलुआ क्वेश्चन था अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री का मॉड लेस देन और इक्वल टू टेन है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी अब देखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री जो है दो पार्ट में टूटेगा पहला टूटेगा एक्स प्लस थ्री किस में एक्सप्लस थ्री में कब वेन एवर एक्स प्लस थ्री देन जीरो यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस थ्री और दूसरा टूटेगा माइनस एक्सप्लस थ्री ओके तो चलिए दो पार्ट में इसको लेकर के सॉल्व करते हैं ओ हो यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक लगा दी फालतू अपन ने उसको इतना मेहनत करी तो देखिए मॉड ऑफ एक्स लेस देन टेन मतलब एक्स प्लस थ्री इनर वैल्यू जो है माइनस टेन से लेके प्लस टेन के बीच में होगी बिल्कुल सही वैसे ही सॉल्व करिए क्योंकि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए होता है तो एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए हुआ करता है तो ये माइनस टेन से लेके प्लस टेन के बीच में होगा और एक्स की वैल्यू एडजस्ट करने के लिए थ्री को यहाँ पे सब कर दीजिए तो माइनस थर्टीन और सेवन आ गई तो जो वैल्यू होगी माइनस थर्टीन से लेके सेवन के बीच में होगी चलिए अगला द इंटीग्रल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज कह रहा है द इंटरवल सॉरी इंटीग्रल नहीं इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़ कह रहा है ये पावर सीरीज जो है कहाँ पर कन्वर्ज होगी ओके ये पावर सीरीज जो है कहाँ पर कन्वर्ज होगी <coughs> तो आपके साथ में ये जो अंदर दिया गया है ये क्या दिया गया है ए एन दिया गया है माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर टू एन प्लस वन और अपॉन टू एन प्लस वन ये आपके पास में क्या दिया गया है ए एन दिया गया है ठीक है तो ये पावर सीरीज़ है पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस हम अभी नहीं ले रहे हैं बाद में लेंगे जब हम हायर लेवल का बी एस कराएंगे तब आपको लेंगे चलिए अभी फ़िलहाल हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम एलेवन ट्वेल्थ के कंसेप्ट को देखेंगे द नंबर ऑफ द वेज इन विच टेन क्वेश्चन पेपर्स कैन बी अरेंज सो दैट मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट ईजी पेपर नेवर कम टुगेदर तो अगर आप मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट ईजी को साथ में रख देते हो तो दो पेपर साथ में हो जाएंगे तो अब टोटल दस पेपर थे दस में से दो को साथ में ले लिया तो आपके पास कितने की बंडल बन गई है आपके पास बन चुकी है दस में से दो गए आठ ये और एक ये मतलब नौ का बंडल बन चुका है तो फैक्टोरियल नाइन टोटल आपके पास बंडल बन चुके हैं जिसमें दो साथ में हैं तो आप टोटल में से और साथ में इनकी धमाचौकड़ी अंदर की कितनी होगी फैक्टोरियल नाइन इंटू फैक्टोरियल टू तो यदि आप टोटल दस में से ये वाले बंडल्स के कॉम्बिनेशंस मतलब फैक्टोरियल नाइन मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल टू को माइनस कर देंगे तो वो पेपर्स आ जाएंगे जिनमें कि दो पेपर कभी साथ में ना हो तो करेक्ट आंसर इसका क्या लग रहा है डी लग रहा है लेट्स सी करेक्ट आंसर इसका डी है टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं टेन अब टोटल कॉम्बिनेशन में वे कॉम्बिनेशन जिसमें कि दो दो पेपर साथ में है वो कितने होते हैं टू इंटू फैक्टोरियल नाइन सो राइट आंसर कितना आएगा टेन फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल इंटू नाइन फैक्टोरियल दैट्स इट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी फाइव लाइन्स आर ड्रॉन प्लेन सच देट नो टू देम आर पैरल एंड नो थ्री आर कॉन्कोरेंट देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दे विल इंटरसेक्ट कह रहा है पच्चीस लाइन है नो टू ऑफ देम पैरल पच्चीस लाइन में से कोई भी लाइन पैरल नहीं है एंड <coughs> नो थ्री आर कनकरेंट और ऐसी कोई लाइन नहीं है कि जो आपस में कनकरेंट हो रही है मतलब चांसेस क्या है कॉमन पॉइंट मिलने का भी रास्ता हट गया तो कह रहा है कि आपके पास बताइए कितनी एट हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने पॉइंट होंगे जिनमें वो इंटरसेक्ट करेंगी तो भाई देखो एक पॉइंट बनने के लिए दो लाइन के मीट करने की जरूरत होती है तो आपके पास में जो ए टोटल 25 लाइनें हैं कितनी लाइनें हैं 25 लाइनें हैं और एक लाइन डिफरेंट 24 लाइनों को जाकर के भिड़ेगी इस तरीके से हर 25 लाइन जो है एक लाइन जो है डिफरेंट 24 फोर को जाकर के मिलेगी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पच्चीस लाइन है और बाकी चौबीस लाइन है तो पच्चीस लाइन जाकर के चौबीस लाइन को जाकर के भिड़ेगी ओके तो बट अब दो लाइनों को मिलकर के एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा तो आंसर कितना आ गया ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव बाई टू और यदि इसको आप और सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे आपके पास टोटल पच्चीस लाइन्स है और पच्चीस लाइन में हर लाइन दो दो के जोड़े बनाएगी तब एक पॉइंट आपको मिलेगा तो कितने होंगे ट्वेंटी फाइव सी टू तो ट्वेंटी फाइव सी टू दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर और नीचे कितना टू इंटू वन तो टू से कट गया कितने बार बारह 12 तो गुणे पच्चीस बराबर कितना 300 तो ये भी लॉजिक लग सकता है जो कि ज्यादा इजी है और बाकी वैसा वाला तो है ही चलो अगला क्वेश्चन देखिए इफ द पॉइंट्स <coughs> माइनस टू कोमा जीरो माइनस वन वन रूट थ्री एंड कॉस थीटा साइन थीटा और कोलिनियर थिटा तीनों पॉइंट कोलिनियर है देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जीरो टू टू पाई देखो तीन पॉइंट आपके पास कोलिनियर है तो बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जीरो होगा यहाँ पर यही इसी तरीके से खेला गया है तो आपको कह रहा है कि थीटा की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी देखिए तो कोलिनियर है तो आप इसको लेकर के आपने सॉल्व कर दिया टू और वन अपॉन रूट थ्री माइनस साइन थीटा फिर इसके बाद में माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा माइनस uh, वन है प्लस वन हो गया इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो ओके <coughs> okay, जी इसके रिस्पेक्ट में किया तो वन तो वन माइनस साइन थीटा और माइनस वन बाई थ्री को थीटा इक्वल टू जीरो तो टू अपॉन रूट थ्री माइन और माइनस माइनस प्लस टू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और माइनस का वन अपॉन्ट थ्री थीटा इक्वल टू जीरो तो साइन थीटा और ये हो गया और वन अपॉन्न थ्री और टू अपॉन रूट थ्री इस तरफ चला जाएगा माइनस वन अपॉइन रूट थ्री कोऑस्थीटा इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री ले लिया तो रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा और वन अपॉन टू कॉस थीटा रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे में हम्म hmm. तो रूट थ्री का पूरे में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरीके से आ चुका है इक्वल टू वन अब देखिए ये क्या बन रहा है साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी तो कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कहाँ पर होती है साइन ए कॉस बी जो होती है ये साइन थीटा माइनस दिस लगाया गया वेट 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 तो साइन एक कॉस भी कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कितने पे होती है सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री पे तो यहाँ पे पाई बाई सिक्स आएगा और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यस एग्जैक्टली तो ये अपने पास आएगा कितना थीटा साइन सॉरी साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू वन यस साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू वन अब इसको हमको सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है देखिए यहाँ पर पाइबेसिक्स होगा बुक्स वालों ने थोड़ी मिस्टेक करी है तो देखिए कैसे होगा साइन ए साइन ए कॉस बी तो रूट थ्री बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट थ्री बाई टू जो होता है कॉस थर्टी डिग्री साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और साइन कितने डिग्री हुआ करता है वन बाई टू साइन थर्टी डिग्री तो यहाँ पे थीटा माइनस पाव बाई सिक्स इक्वल टू वन होगा सो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू वन ओके साइन थीटा माइनस पाव बाई सिक्स इक्वल टू वन अब देखो आपके पास जो इंटरवल दिया गया ना वो कितना दिया गया जीरो से लेकर पाई दिया हुआ है तो जीरो से लेकर टू पाई तो जीरो से लेकर टू पाई में साइन की वैल्यू वन कब होती है जीरो से लेकर टू पाई में साइन की वैल्यू वन केवल एक ही बार होती है ओके okay, कब पाई बाई टू पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू पाई बाई टू सो so, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स एल सी ले लो भाई साहब कितना आ गया छः और दो में यहाँ जाएगा तीन तीन पाई प्लस यहाँ पे कितना आएगा पाई तो आंसर कितना आएगा फोर पाई बाई सिक्स <coughs> ओके okay, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे कुल मिला के एक ही होंगे तो आंसर गलत नहीं आया बट कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए बुक वालों ने तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका वन ही होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स तो भाई दोनों प्लेन अपने पास कैसे हैं पैरल हैं तो पैरल प्लेन का डायरेक्ट फार्मूला पहले दोनों को एक जैसा बना लो ओके okay. पहले क्या करो दोनों को एक जैसा आप बना लीजिए नीचे वाले प्लेन से टू कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा सिक्स और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए देखिए कैसे लगेगा दोनों प्लेन को आपने एक जैसा बना लिया है सिक्स बन जाएगा हाँ. बन जाएगा। इसके इसके बाद आपको करना क्या है? Then इसके बाद आपको आपको करना करना क्या क्या है है, 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 देखिए, आपके पास ये है, तो है, और ये क्या है माइनस सिक्स हो जाएगा मतलब इसको आप लिखेंगे टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड और माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो मॉड में सिक्स माइनस फोर अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक का चार इसका नौ इसका भी कितना हो जाएगा सोलह यस चार नौ सोलह दो तीन तीन था ना एक मिनट दो तीन चार होना चाहिए यार ये तो हाँ दो तीन चार होना चाहिए देखो गलत कर दिया आपको बुक वाले ने यहाँ पे दो तीन कितना होगा चार होगा तभी तो दोनों पैरल होंगे तो इक्वल टू कितना हो गया टू अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी नाइन यूनिट्स आ गई है चलो इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा अगला क्वेश्चन है इफ्टी एन डिनोट्स द एंडम ऑफ द सीरीज दो प्लस तीन छः ग्यारह देखो ये आपके पास सीरीज दी गई तो आपसे बोल रहा है फिफ्टी एयर टर्म क्या होगा तो पैटर्न को पहचानो देखो पैटर्न क्या हो रहा है ये देखिए यदि आप टू है फिर थ्री है फिर सिक्स है फिर एलेवन है टू है फिर थ्री है फिर सिक्स है फिर एलेवन है तो पैटर्न को पहचानिए अब पहले ऑप्शन में देखो ऑप्शन में एन स्क्वायर माइनस वन की सीरीज दिख रही तो वन स्क्वायर माइनस वन जीरो फिर टू का स्क्वायर माइनस वन थ्री फिर थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री का स्क्वायर होता है नाइन माइनस वन तो ये तो सीरीज नहीं बन रही अपने पास में तो कोई और पैटर्न यहां पर आपके पास में बन रहा है चलिए आइए पहचानते हैं उस पैटर्न को देखिए यहां पर आपके पास में ओके दो डिफरेंस ऑफ द सीरीज बनेगी चलो भाई कैसे करना है ओके ओके यस देखिए इफ टी एन डिनोट द एंड टर्म ऑफ द सीरीज दिस प्लस दिस प्लस दिस देन टी फिफ्टी तो आपको कहना है कि इसका पचासवा टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया है इसका सीरीज का जो पचासवा टर्म है ये आपसे पूछा गया है क्या होगा ठीक है ना तो ये आपके पास में देखिए ये सीरीज़ चल रही है दो तीन छः ग्यारह अठारह नाउ द डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स ऑफ दिस ए नाउ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़ इज़ इन ए पी जो दो दो टर्म्स हैं वो डिफरेंस ऑफ द मतलब कि सीरीज ए पी में नहीं है सीरीज़ का जो डिफरेंस बन रहा है वो ए पी में बन रहा है जैसे देखिए थ्री से लेकर टू तो ये क्या बना वन अगले दो टर्म का डिफरेंस कितना बना छः में से तीन गया कितना बन गया तीन और ग्यारह में से छः गया तो कितना बना आपके पास में पाँच तो ये देखो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है एपी में आ रहा है मतलब जो डिफरेंस आपको मिला है वो कितना मिला है वन थ्री फाइव सेवन ये डिफरेंस मिला इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास सीरीज बन रही है सो द सीरीज ऑप्टेन फ्रॉम द डिफरेंस वन थ्री फाइव सेवन एट एंड टू गेट बैक द ओरिजिनल सीरीज वी नीड टू एट द डिफरेंस बैक टू टू और अगर हम ओरिजिनल वापस लेना चाहते हैं तो हमको सीरीज में डिफरेंसेस जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे ओके okay. हमको सीरीज में जो है वो डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे चलिए देखिए जैसे हमारे पास पहला टर्म है दो तो दो से तीन तक पहुंचने के लिए हमने क्या ऐड किया तीन ऐड किया है फिर अगला टर्म हमारे पास कितना है छः तो दो प्लस देखिए पिछला टर्म हमारे पास कितना था दो में हमने एक ऐड किया तो पिछला टर्म हमारे पास था दो प्लस एक तीन ओके और हमने डिफरेंस ऐड कर दिया थ्री देन टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस कितना फाइव टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव मतलब ये जो टर्म्स हैं हमारे पास ये देखिए ये जो टर्म्स है वन थ्री फाइव सेवन तो वन थ्री फाइव सेवन।, तो सेवन में हम क्या ऐड करते जा रहे हैं वन थ्री फाइव सेवन में हम डिफरेंसेस एड करते जा रहे हैं इस तरीके से ओके वन थ्री फाइव सेवन में हम डिफरेंसेस ऐड करते जा रहे हैं